हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल सिविल जॉब्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल पे रेगुलर जॉब अपडेट्स लेकर आता हूं। तो आइए आज फिर से एक नए जॉब के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आगे हम कंपनी के वेबसाइट पे। दोस्तों, आजकल जो है बहुत पूरे एमएनसी के बारे में है। दोस्तों, इसी में बहुत वैकेंसी निकली हुई है और भी पूरा फ्रेशर के लिए निकली हुई वैकेंसी। दोस्तों, इसमें अगर आप एक्सपीरियंस है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ फ्रेशर ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस पर बताना चाहूंगा कि आज इसमें दोस्तों जो पहले जो है 3 मंथ प्लस 6 मंथ वो जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, इसमें पहले स्टार्टिंग में इसमें भी आपको जो है सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, 3 मंथ ऑन जो है क्लासरूम ट्रेनिंग है, उसके बाद 6 मंथ है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, उसमें जो है दोनों में आपको सैलरी मिलेगा और जो उसका जो फुल टाइम जॉब भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, वो एमएनसी है दोस्तों, तो वो जॉब भी जो इंटर्नशिप के दौरान भी जो है दोस्तों, उसमें आपको जो है 15 से 20 हज़ार का सैलरी हो सकता है पहले 3 महीने। 3 महीने के बाद आपको सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। जो ट्रेनिंग, जो नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जिसमें आपको प्रोफेशनल के साथ रहकर काम करना होगा, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, सब कुछ जाना पड़ेगा, एज ए जॉब जैसा ही होगा वो, उसमें आपको फुल सैलरी दिया जाएगा जो कि 25 से लेकर 40 हज़ार के बीच में होगा। क्योंकि एमएनसी है दोस्तों, तो इसका जो सैलरी पैकेज होता है 3.5 लाख टू 5 लाख के बीच में होता है सैलरी। ठीक है, तो और ये जो जॉब वैकेंसी है दोस्तों, अभी से मई मंथ में भी सेम वैकेंसी निकला हुआ था, उस टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू 2-3 लोगों का शायद हुआ था। उसका जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे क्या होता है, सभी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, क्या कैसे होता है। हमने एच आर से भी बात किया था उस टाइम पे। उस टाइम दोस्तों ऑलमोस्ट जो है 5000 जो में है सीवी है, लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से 60 वैकेंसी होती है। आप लोगों का चांसेस है, बहुत अच्छा होता है क्योंकि इतना ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और आपका होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसका अब मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप फ्रेशर है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट मौका है, इससे अच्छा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल। ठीक है दोस्तों, और हो सके तो अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप अप्लाई करने वाले, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसे अप्लाई करना है, क्या डिटेल, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, ये कंपनी है दोस्तों, एमएनसी है, तो मैं आपको कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी एमएनसी है। आपका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा, आप वहां पर जाकर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कोई नाम है कंपनी का, मैंने इससे पहले वीडियो बनाने से पहले क्या दिया, हम करियर पर क्लिक अब करियर पे क्लिक करेंगे तो ये खुल गया। ठीक है, अब नीचे जाएंगे, हम नीचे जाएंगे तो एक इंडिया इंडिया करके है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं, जॉब्स इन इंडिया। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए अब खुल गया मेन, इसका यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्च करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पहला इंजीनियर ट्रेनिंग करके है, जिसमें मेरिट मेरिट का है। पहला अब मैं बताने वाला हूँ ये वाला बीम ट्रेनिंग बिल्डिंग। ठीक है, BIM ट्रेनिंग बिल्डिंग के लिए आपको है, इसमें इसमें आपको अप्लाई करना है, क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे ये खुल गया पूरा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए आपको मैं एक सब नीचे में कंपनी वंपनी के बारे में लिखा है, कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे हम, देखेंगे पहले ये कोड नंबर ये है BIM ट्रेनिंग इन बिल्डिंग। ठीक है, तो इसमें देखिए, डू यू वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट इन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड एलईपी सर्विस, दैट 3+6 ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन आवर 3+6 ट्रेनिंग प्रोग्राम एज ए बीम ट्रेनिंग बिल्डिंग फॉलो बाय फुल टाइम पोजीशन। ठीक है, मतलब आपको पहले 3 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग, फिर उसका 6 मंथ का जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो आपको ऑफिस विजिट करना होगा, आपको प्रोफेशनल के असिस्टेंट बनकर काम करना होगा, उसके बाद आपको फुल टाइम जॉब दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये सब कंपनी के बारे में दिया हुआ है, तो कंपनी के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, आप अपना पढ़ लीजिएगा, मैं आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो सब बताने वाला हूँ। देखिए इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया दोस्तों, इसमें BTech सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सभी फ्रेशर के लिए, लेकिन बैच का भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होने वाला है। पहला जो 3 मंथ का ट्रेनिंग होगा, देखिए इसमें लिखा होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम विल रन ओवर 3 to 6 मंथ पीरियड, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ स्टूडेंट विल डिप्लाई डिप्लॉयड कैपेबिलिटी एंड कंप्लीशन एनेबलिंग देम टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स 3D, 4D and 5D मॉडलिंग टास्क ऑन लार्ज स्केल इंटरनेशनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट। अब देखिए क्या होने वाला है, क्या टॉपिक कवर किया जाएगा, डानिश एंड नॉर्वेजियन डिजाइन स्टैंडर्ड गाइडलाइन। ठीक है, उस दोनों कंट्री के अकॉर्डिंग आपको उसका डिजाइन स्टैंडर्ड का कोड बुक के अकॉर्डिंग आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल डिजाइन स्टैंडर्ड लाइक यूरो कोड, BS कोड एक्सेट्रा के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद BIM सॉफ्टवेयर पैकेज एंड टूल्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग इन ऑटोडेस्क रेवी 2021 एंड ऑटोडेस्क
नेविस वर्क 2020, कोलिब्री, उसके बाद BIM 360, ग्लास हाउस एंड मैजिक कैट और रैपिड एमएपी सर्विस। इन सब के लिए मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल है तो एमएपी सर्विस के बारे में आपको बताया जाएगा, आप सिविल अगर सिविल वाले तो सिविल के अकॉर्डिंग, मैकेनिकल वाले तो मैकेनिकल के अलावा ये सब BIM 360, ग्लास हाउस ये सब उसके अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग सॉफ्टवेयर है आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, उस ट्रेनिंग के जो क्लासरूम ट्रेनिंग होने वाला पहले 3 महीने उसमें। उसके बाद जो दूसरे डायनेमो एंड अदर प्लगइन्स के बारे में बताया जाएगा, क्वांटिटी टेक ऑफ कैसे करते हैं, क्लास डिटेक्शन रिपोर्ट, ये सब क्लास वगैरह जो होता है वो सब कैसे, क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ मॉडल नेटवर्क, ये सब भी बताया जाएगा क्लासरूम ट्रेनिंग के टाइम। देखिए इसमें पूरा दिया हुआ है, पहला फेज वन में ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग दो फेज में होने वाला है, पहला फेज वन 3 मंथ, फेज टू 6 मंथ और आपको जॉब मिलता है। तो देखिए इसमें क्या है, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 मंथ जो है उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट विल गो थ्रू एन इंटर्नशिप फॉर 3 मंथ, ठीक है, आपको फर्स्ट 3 मंथ इंटर्नशिप करवाया जाएगा जिसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा BIM के रिलेटेड, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज स्टूडेंट विल बी पेड स्टाइपेंड टू कवर बेसिक कॉस्ट, ठीक है, मतलब आपको रहने का खाने पीने का जो खर्चा होता है उसके लिए आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा मंथली बेसिस पे, वो 3 महीने स्टार्टिंग के क्लासरूम ट्रेनिंग में जो 3 महीने आप देने वाले हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें जो आपको जो देखिए एमएनसी दोस्तों उसमें जो स्टाइपेंड है अराउंड 15,000 से 20,000 के बीच में रहता है तो आपको मिलेगा, ठीक है, लगभग 20,000 मिलता है एक लोगों के लिए। अगर आप कहीं एक नए सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे खाना पीजी में रहते हैं तो 20,000 बहुत ज्यादा, 15,000 से 20,000 बहुत ज्यादा होता है आप रेवल के लिए। अपॉन कंप्लीशन ऑफ फेज वन मतलब आपको क्या करना है, अगर आपका फेज वन कंप्लीट हो जाता है, 3 महीने का ट्रेनिंग जो प्रोग्राम इंटर्नशिप को कंप्लीट हो जाता है, आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, उसके बाद आपको एक फेज टू के लिए पढ़ाया जाएगा। फेज टू में क्या होगा, फेज टू में आपको फर्स्ट फेज टू में आप देखिए पहले पहले जो क्या था ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा था वो कि 15,000 से 20,000, ठीक है, लेकिन आप फेज वन जैसे आपका कंप्लीट होगा आप फेज टू में जाएंगे, फेज टू में आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सैलरी जो होता है दोस्तों 3.5 लाख से 5 लाख के बीच में एमएनसी का एक होता है, नॉर्मली 4 लाख के आसपास होता है, ठीक है। इसमें मतलब 25,000, 30,000, 32,000, 31,000 ऐसे या फिर 40,000 तक भी हो सकता है, 25,000 से 40,000 के बीच में होता है नॉर्मली एमएनसी सब, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसका एक मिनिमम एक रेस्पेक्ट मेंटेन करना, उसके अकॉर्डिंग वो अपना सैलरी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए अगला जो फेज है फेज टू है उसमें है प्रैक्टिकल ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, वो 6 मंथ होने वाला है। इन दिस फेज ऑन जॉब ट्रेनिंग विल टेक प्लेस एंड द स्टूडेंट विल वर्किंग ऑन आवर ऑन गोइंग बिल्डिंग डिजाइन प्रोजेक्ट टूगेदर विद आवर एक्सपीरियंस इंजीनियर्स एंड बिल्डिंग मॉडलर, ठीक है, BIM मॉडलर, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस इंजीनियर एज ए असिस्टेंट एज ए मतलब एक अंदर 2 से 3 लोगों को ऐसे डाला जाएगा, उस तरह से आपको काम करना होगा, ठीक है। तो वो आपको फुल ट्रेनिंग आपको देंगे, उसके साथ आप काम करेंगे तो आपको बताएंगे, तो वो जो है दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी एजेंसी में काम करना, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फेज टू योर एम्प्लॉयमेंट विल बी कन्फर्म, उसके बाद जो आपका जॉब है वो कन्फर्म हो जाता है, जॉब तो आपको लग जाएगा फर्स्ट फेज के बाद ही आपका सैलरी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अब सेकेंड पीरियड आप कंप्लीट कर लेते तो आपका परमानेंट जॉब कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। के दौरान आप जो है इंटरनेशनल BIM मॉडलिंग वर्कफोर्स के साथ काम करेंगे, फेज वन फेज ट्रेनिंग विल बी टेक प्लेस इन मॉडर्न एंड इंटरनेशनल ओपन ऑफिस एनवायरनमेंट, ठीक है। एमएनसी है तो दोस्तों उसका ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको पता ही होगा एमएनसी का कैसा होता है, अगर नहीं होता तो आप यूट्यूब पे चाहे कहीं पे भी इस कंपनी के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि एमएनसी है तो इसका सभी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको BIM का सब BIM का एमएनसी में ट्रेनिंग लिया हुआ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, कि आपने यहाँ से सर्टिफिकेट ट्रेनिंग लिया जॉब तो आपको मिल ही रहा है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है क्या चाहिए, मस्ट हैव बीटेक इन सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल में से किसी भी एक ब्रांच से आपको बीटेक होना चाहिए। मस्ट हैव अटेंडेड एंड कंप्लीटेड कोर्स रिलेटेड टू बिल्डिंग डिजाइन, ठीक है, आपने जो 2 महीना 3 महीना 1 महीने का जो कोर्स होता है ना जो नॉर्मली आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन जो चलता रहता है वो जो आपका एक कोर्स किया हुआ होना, जैसे एक बेसिक नॉलेज जो होता है ना दोस्तों मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल है किसी भी फील्ड में प्लम्बिंग वगैरह का जो भी आप किसी ब्रांच से बिलोंग्स करते हैं बेसिक अगर आपने नहीं भी कर रखा है अभी तक तो आप अप्लाई करें, क्योंकि इसका जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा लंबा 2 से 3 महीना चलता है, इसमें आप बीच में आप कर सकते हैं अपना सीवी बना के आप अप्लाई कर सकते हैं, बीच में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं 1 महीने में, क्योंकि BIM जो कुछ बड़ी चीज नहीं है, 1 महीना आप अच्छे से सीखे तो सीख सकते हैं कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है दोस्तों। मस्ट हैव गेन नॉलेज ऑफ बिल्डिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग स्टडीज, वही तो मतलब नॉर्मल जो आपको रेविट वगैरह का नॉर्मल एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए रेविट सॉफ्टवेयर वगैरह का, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल बिल्डिंग स्टैंडर्ड, आप जो ट्रेनिंग लेने वाले दोस्तों उसमें वो बेसिक कुछ कुछ बता देते हैं उस वही आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी देख रहे हैं आपको 3 मंथ ट्रेनिंग है प्लस 6 मंथ ट्रेनिंग है तो वो भी MNC का, तो वो उतना आपको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, बेसिक इंटरव्यू के लिए आपको बेसिक प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम होता है इंटरव्यू होने के पहले,
तो आप उसमें आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, पर्सनल कंपटीशन, मतलब वो आपको पर्सनल क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, क्या स्किल्स होना चाहिए उसके बारे में। यू हैव एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका अच्छा नहीं है फिर भी आप अप्लाई करें, ठीक है, आप उस पर ध्यान ना दें अच्छा नहीं है, क्योंकि आप 2 से 3 महीने में प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू तो आपको देना है। यू आर ए फास्ट लर्नर एंड आस्क क्वेश्चन टू द गेट थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम, ठीक है। यू हैव ए क्वालिटी फर्स्ट माइंड सेट, आप क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देने वाला माइंड सेट होना चाहिए, मतलब क्वालिटी पे ही क्वालिटी फर्स्ट है ऐसा माइंड सेट होना चाहिए। यू आर ए टीम प्लेयर बट कैन ऑल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, आप टीम प्लेयर होना चाहिए लेकिन अकेला भी काम कर सकते हैं। हाँ, ये सभी इतना सब है, इंटरनेशनल एनवायरमेंट में आप काम करना आना चाहिए, ये सब है, मतलब आप एडॉप्ट कर ले इजीली वो सब है। पर आपको देखिए अगर आप इंटरेस्टेड है आपको नीचे दिए हुए यहाँ पे अप्लाई बटन पे जाके अप्लाई करना होगी 19 दिसंबर के पहले, ठीक है। दोस्तों मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है, शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल में वीडियो बहुत लंबा, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है, मैं आपको थोड़ी शॉर्ट में बताने वाला हूँ। देखिए मैं इस पर अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैंने इसे अप्लाई पे क्लिक करा यहाँ पे देखिए अभी ओपन होगा, नया पेज ओपन हो गया। अभी नया पेज ओपन हो गया तो वही जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन था वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिर से लिखा है, तो आपको पढ़ने का फिर से जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे सीधा इस फिर से अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने अप्लाई बटन पे क्लिक कर यहाँ पे आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे इस वेबसाइट, तो आपको क्या करना होगा, साइन अप करना होगा, यहाँ पे जाके क्रिएट एन अकाउंट है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करना है, उसके बाद आपको साइन इन कर लेना है। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी इस पे वीडियो बनाया था और वहां से 3 स्टूडेंट का हुआ भी था हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, उन्होंने अप्लाई किया था, मैंने उनको गाइड किया था तो उनको हुआ था, तो मुझे पता है कैसे अप्लाई करना है, क्या डिटेल भरना है सब कुछ, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो इस वजह से आप साइन इन पर क्लिक कर देंगे, जैसे हमने साइन इन पर क्लिक किया ये देखिए फिर से वही इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम मैंने करके दिखाया था वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो जैसे यहाँ पे टाइटल वगैरह है, यहाँ पे नाम वगैरह है, यहाँ पे कैंडिडेट आईडी आ गया मेरा, हाँ उधर मोबाइल नंबर ये सब वगैरह आ गया। यहाँ पे देखिए आपको सीवी डालना है, दूसरा क्या डालना है, एक कवर लेटर डालना है। 3 चीज आपको दोस्तों देखते हो कि आप जो भी आप सॉफ्टवेयर जॉब में जा रहे हैं तो 3 चीज बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन है आज के जमाने में, तो कंपटीशन है, तो आपको आप जॉब लेने का मतलब कि आप अपने आपको सेल कर रहे हैं, सेल वही होता है वही चीज दिखता है जो कि दिखता है, मतलब अपने आप को एक रिप्रेजेंट कर रहा है, आप तक अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वही मेन चीज है। यहाँ पे सबसे एक अच्छा सा आपको एक सीवी बना लेना है, सीवी कैसे बनाना है आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। अच्छा ये कवर लेटर कैसे बनाना है। तीसरा है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं सीवी पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। यहाँ पे देखिए एडिशनल डॉक्यूमेंट करके एक ऑप्शन होगा, हियर यू कैन एड अदर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप क्या करेंगे पोर्टफोलियो को डाल देंगे। यहाँ पे मेरा एक पोर्टफोलियो डाला हुआ है जो मैंने लास्ट बार अप्लाई करके अप्लाई करने का वीडियो भी बनाया था, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक सीवी और कवर लेटर आपको जरूर डालना है, बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में इस टैब में पूरा डालना है एड करके यहाँ पे। उसके बाद आपका अगर क्योंकि आप ये फ्रेशर के लिए है तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और बाकी लैंग्वेज वगैरह ये सब है, बाकी यहाँ पे एड्रेस वगैरह फिलअप करना है, ठीक है। तो ठीक है अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्या होता है। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया देखिए वो यहाँ पे आके जैसे जेंडर नाम है जेंडर वगैरह पे क्लिक करना है, जैसे मैंने मेल कर दिया ये वगैरह है, सिटीजन इंडियन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है ये सब है, मतलब ये आप देखिएगा डू यू नीड अ वर्क परमिट, इंडिया में काम करने के लिए आपको वर्क परमिट की जरूरत नहीं है, आपको नो पे करना है, ठीक है। ऐसा करके यहाँ पे पूरा आपको एड्रेस भरना है, ईमेल आईडी वगैरह वो सब जैसे चीजें भर देना है, आपको करेंसी इंडियन INR सिलेक्ट कर लेना है। उसी तरह क्या है कहाँ से आपने हिस्ट्री था, मैं हमारे यूट्यूब पर चैनल का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे लिंक्डइन डालते हैं, जहाँ से भी आपने सुना है वैसा आप नाम डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिंक्डइन से मुझे ये पता चला था मैं लिंक्डइन का डाल दिया, ठीक है। मेरा सीवी है, मेरा कवर लेटर, एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या है मेरा, ये है हमारा पोर्टफोलियो, 3 चीज आपको डालना ही डालना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपका इंटरनेट रेफरेंस कहीं से, या फिर आप अगर आपने PDF में नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक। पोर्टफोलियो कुछ डिटेल अगर एडिशनल कुछ डालना चाहे तो, क्वेश्चन वगैरह क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आप परसेंटेज वगैरह चेन्नई में रहते हो कि नहीं, वो सभी आप यहाँ पे फिलअप कर देना। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको अच्छे से आप पहले क्या करें कि पेपर पे लिख ले, क्योंकि आप क्यों करियर ये MNC में क्यों करियर बनाना चाहते हैं, दूसरा क्या है BIM में ही क्यों इंटरेस्टेड है, तीसरा क्या है डिजिटल सेमिनार कोर्स आपने कौन सा कोर्स है उसके बारे में बताने के लिए लिखा है।
आपके आप इस ब्रांच चाहते हैं तो ये स्लीपर देना है ठीक है। और ये तीनों आसान है, आप आराम से लिख के वहाँ पे डालते जाकर, आपको नहीं आता है कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप क्या कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है ठीक है। उसके बाद फाइनल यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है और क्लिक अप्लाई कर देना है। उसके बाद अगर आपने मान लीजिए नहीं कर रखा है BIM का ट्रेनिंग, आप कहीं से हमारे एक छोटा सा ऑनलाइन वाला 3,000-5,000 का कोर्सेस होता है, 5,000 के आसपास का कोर्स कर लेना है और अच्छे से आपको सॉफ्टवेयर बेसिक जो है उसको सीख लेना है ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा ठीक है ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क फॉर योर ड्रीम एंड रिमेंबर टुगेदर वी कैन बीट अनएम्प्लॉयमेंट।